प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में न्यू ओपीडी का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के बाद भी इस भवन में ओपीडी शिफ्ट नहीं हो पाई है। इस भवन को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन अब कोरोना के मरीज इस भवन में दाखिल नहीं है। ऐसे में इस भवन में जल्द ही ओपीडी के शिफ्ट होने की उम्मीद भी जगी है। इसमें 33 विभागों की ओपीडी शिफ्ट करने की योजना है। ओपीडी के शिफ्ट होने के बाद मरीजों को टेस्ट के लिए ज्यादा दूरी पर मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। टेस्ट की सुविधा भी यहीं मुहैया करवा दी जाएगी। अस्पताल के पुराने ब्लॉकों में मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भटकना पड़ता है। जगह की कमी के कारण पुराने ब्लॉकों में अलग अलग स्थानों पर सुविधाएं दी जाती हैं। दवा की दुकानें भी इसके नजदीक एक ही स्थान पर बनाने का प्लान है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि न्यू ओपीडी भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन मामला कोर्ट में है और जल्द ही इसको लेकर राहत मिलने की उम्मीद है और कुछ कार्य अभी बाकी हैं जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। कोरोना के मरीजों को इस भवन में रखा जा रहा था, लेकिन अब मामले कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस दौरान अस्पताल और मरीजों की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और हिम केयर कार्ड से हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। रही ओपीडी न्यू ओपीडी ब्लॉक के शुरू करने की बात, तो केवल उद्घाटन कर देने से चीजें जो है वो सुचारू रूप से चल पाए ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी अन्य चीजों को भी कर पड़ना जो वो जरूरी होता है। वो एक कोर्ट की डायरेक्शंस थी जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, परंतु जो हमें जानकारी है कि नए ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बहुत जल्द, मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल फाइनल प्रक्रिया है। जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है वो किया जा रहा है आजकल, और बहुत जल्द जब वो सारा कुर्सी टेबल इस तरह के इंतजाम हो जाएंगे तो इसका जो है वो कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से और प्रदेश सरकार के सुजन्य से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाएं, जिसमें हिमकेयर और आयुष्मान भारत, इन योजनाओं को इस अस्पताल में शुरुआत से ही, लॉन्चिंग के समय से ही यहाँ पे कार्यान्वित किया गया। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक लगभग 1 लाख के करीब करीब मरीजों का भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत इलाज किया जा चुका है, और जिस पर अरबों रुपया प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक उस पर व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में बहुत सारी अन्य चीजें जैसे सहारा योजना, सम्मान योजना, रीनल ट्रांसप्लांट, इस तरह की चीजों को भी हम शुरू किया गया है। और दूसरी बात देखिए, जब हमने इस दायित्व को संभाला लगभग आज से 4 वर्ष पूर्व, तो हमने एक रेफरल रजिस्टर का यहाँ पर प्रावधान किया जिसमें ये पूरी जानकारी अस्पताल प्रशासन के पास उपलब्ध रहे कि एक दिन में कितने मरीजों को यहाँ से पीजीआई भेजा जाता है और उसके कारण क्या है। जब 1 वर्ष के अंतराल के बाद हमने उस सारे डाटा का जब वो किया, मंथन किया, तब हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि अधिकतर मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर इस तरह की चीजों के अभाव के चलते लोगों को यहाँ से दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है, खासकर प्रदेश से बाहर। तो वैसी स्थिति ना हो इस पर हमने विचार किया और सरकार के समक्ष इस स्थिति को जब पेश किया तो हमें प्रत्येक वार्ड में 2-2 हाई डिपेंडेंसी बेड्स, जिसमें वेंटिलेटर और सारी मॉनिटरिंग का प्रावधान हो, उसको बनाने की इजाजत और जो है वो अनुशंसा सरकार के द्वारा की गई। परंतु पिछले 2 वर्षों से अधिक समय हमारा और सरकार का भी सारा का सारा केंद्र बिंदु जो है वो कोविड पर बना रहा, जिस वजह से ये कार्य को पूरा करना अभी बाकी है। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये कार्य भी पूरा होगा। और रही वेंटिलेटर की संख्या की बात, तो इस वक्त हमारे पास लगभग 160 वेंटिलेटर इस अस्पताल में कार्यरत हैं, और एक ऐसा समय था जब हमारे पास केवल 30 वेंटिलेटर इस अस्पताल में थे। ब्लॉक में बहुत बड़ा लेबोरेटरी का एक एरिया जो है वो चिन्हित किया गया है ताकि लोगों को अपने ब्लड टेस्ट करवाने में जो भीड़ और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। और रही सीटी स्कैन और इन मशीनों की बात, तो देखिए मैं आप लोगों के समक्ष सीधे तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि
कि जब कोई भी समस्या होती है तो लोग बहुत उतावले होके रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं इतनी जल्दी दो मशीनें क्यों नहीं लगाते, तीन मशीनें क्यों नहीं लगाते, परंतु ये सब पैसा पब्लिक का है, एक्सचेकर मनी है, उसका सही तरीके से और सरकार के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है सरकारी पैसे को खर्च करने की, उस व्यवस्था को जब पूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाता है उसके बावजूद ही कुछ चीजें जो है वो चाहे वो सीटी स्कैन है चाहे वो दवाई है उनको खरीदने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।